हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग। इसके लिए मैंने ये ले लिया है, बहुत ही सुंदर सा ही मिठाई बॉक्स आया था, मुझे बहुत पसंद आया तो सोचा कुछ तो ज़रूर करूँगी इसका। तो ये है इसका ढक्कन का मैं यूज़ करने वाली हूँ जो कि है बहुत ही हल्का फुल्का। इसके लिए मैं इसको सॉलिड बनाने के लिए इसी के नीचे के बॉक्स को यूज़ करूँगी जिससे ये हार्ड हो जाएगा। तो बस वही कट कर रही हूँ और इसको हम इसमें चिपकाएँगे। इस क्राफ्ट का आइडिया ना मुझे थोड़ा थोड़ा लिप्पन आर्ट वर्क से आया है, उसको ही मैंने थोड़ा सा माइंड में रखते हुए इस पे डिज़ाइन देने की कोशिश की है। एंड फर्स्ट टाइम किया है मैंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था बनने के बाद, लुक भी काफ़ी अच्छा आया इसका। चलिए फिर शुरू करते हैं एक न्यू क्रिएटिव कैटेगरी। तो फेविकोल से इसको चिपकाने के बाद मैं यहाँ पे इस पर ना कपड़े सुखाने की क्लिप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दबा भी सकते हैं किसी हैवी चीज़ के नीचे इसको, बस ताकि अच्छे से इस पर चिपक जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। एंड आफ्टर 2 आवर्स अब ये मैं हटाऊंगी इसकी क्लिप्स और ये यहाँ से अच्छे से इस पर पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे और भी तरीके से। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये जेसो का यूज़ कर रही हूँ ताकि जहाँ मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है उसके लिए मुझे वाइट बेस मिल जाए, उसके ऊपर हम जो भी चाहे डिज़ाइन पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग आने वाली वीडियो के लिए। बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन और लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, तो दबा के लाइक कीजिएगा। हाँ, फ्री है आपके लिए बट मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है आपका 1 सब्सक्रिप्शन और 1 लाइक, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। तो बातें करते करते ये हो गया है हमारा जैसो कंप्लीट। और इसे सूखने के बाद यहाँ मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है जो भी मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए अब मैं इस पर चिपकाने वाली हूँ ये डोरी। वैसे तो लिप्पन आर्ट में वो क्ले वगैरह यूज़ करते हैं बट मेरे पास डोरी थी तो मैं तो जो सामान पड़ा होता है ना सब उसी से जुगाड़ करने में बिलीव करती हूँ सच बताऊँ तो। तो बस उसी को मैंने चिपका लिया यहाँ पे और ये डोरी भी इस्तेमाल हो गई है, कई सालों से पड़ी थी बेचारी। तो यहाँ पे इसको हम प्लेस कर लेंगे सारे ही लाइनिंग पे और ये भी हमारा रेडी है। और सूखने के बाद अब हम इस पर करेंगे कलर। तो अभी मैं डोरी पे वाइट कलर कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए डोरी जो है ना थोड़ी ऑफ वाइट पेल कलर की थी, तो इसको मैं वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर के पार्ट्स पे कलर करेंगे। तो कलर होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और कलर सूखने के बाद हम इस पर शीशों से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, शीशे प्लेस करेंगे इसके ऊपर। तो ये हैं शीशे और ये हो गए हैं तुरंत ही प्लेस। वैसे ऐसे रियल में तो नहीं हुआ था, मेहनत लगी थी बट हाँ आपके लिए ये रेडी है। तो कुछ इस टाइप से मैंने अपने हिसाब से यहाँ डिज़ाइन कर लिए हैं, शीशे लगा लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ऊपर नीचे आगे पीछे जैसा डिज़ाइन आपको पसंद हो चिपका डालिए। तो ऐसा बनके कुछ ये रेडी हो गया है। कुछ पर्ल्स रखे थे वो भी चिपका दिए हैं मैंने और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, जितना करूँ उतना कम लगता है। सोचती हूँ अब क्या करूँ, कम्प्लीट होने के बाद भी सोचती हूँ और क्या करूँ, तो जहाँ तक पॉसिबल होता है लगी रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो ये कुछ इस टाइप से बन के हमारा पूरा ही मतलब फाइनल लुक इसका तैयार हो गया था। एंड इसको अब हमें हैंग करने के लिए इस पर कुछ
चिपकाते हैं। आप चाहें तो डबल टेप की मदद से डायरेक्ट चिपका सकते हैं, बट मैं यहाँ डोरी भी इस पर लगा रही हूँ। दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, चाहे हम कील पे टांग सकते हैं या फिर इसको डबल टेप या किसी भी चीज़ से इसको आप दीवार पर चिपका सकते हैं। तो ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सुंदर सा DIY वॉल डेकोर वॉल हैंगिंग। तो मुझे बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप क्राफ्टिंग।